मेरी फ्रेंड यहाँ पे देख रही है एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है, उसने थोड़ा सा ही सामान लिया है। आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ डंस शॉपिंग के लिए। तो मेरी एक नई फ्रेंड बनी है यहाँ पे, बनी है मतलब वो आई है पंजाब से, तो वो मुझे फॉलो करती है यूट्यूब पे, तो उसको मैंने हेल्प किया है। वो आपको बताएगी मैंने कितना हेल्प किया है उसको और क्या किया है। मैंने मतलब स्वप्न में भी बहुत हेल्प किया है, तो आज मैं उसको लेकर जाने वाली हूँ डांस में। तो मैंने उनको बोला है कि आप सीधे मुझे डांस में मिलो। उनको पता नहीं है कि शॉपिंग कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या क्या लेना है पड़ता है, कितने का क्या रेट देना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल वो अकेली आई है, उनके हस्बैंड आने वाले हैं 26 को, तो उनको कुछ ग्रोसरी लेना है। तो मैं उनकी ग्रोसरी लेने के लिए और मेरी भी ग्रोसरी लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं डांस। और एज यूजुअल ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको भी आना था तो ये भी मेरे साथ आ रहा है। तो चलो मिलते हैं डांस में मेरी नई फ्रेंड के साथ। मैं मिलाती हूँ हमारी नई फ्रेंड से आपसे, चलो मिलते हैं। तो गाइज मेरी फ्रेंड आ रही है वहाँ से, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये गाड़ी आ गई है बीच में आ रही है, धीरे धीरे चल के चल के आ रही है। मैंने आपको बोला था मेरी फ्रेंड है, मतलब मुझे फॉलो करती है, तो ये मेरे साथ है अभी। तो इनको दिखा रही हूँ मैं डांस का शॉपिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ आपका एक्सपीरियंस बताओगे? मेरा इनसे इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सीरियसली। अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। मैं आगे आगे दिखाती हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। रनिल, व्हाट आर यू डूइंग? रनिल, यू आर टेकिंग चॉकलेट्स? अनु जी, कुछ जम रहा है कि नहीं? देख रहे हो, देख लो देख लो, बहुत टाइम है, देख लो आराम से। ओनली वन, ओके, ओनली वन। मेरी फ्रेंड यहाँ पे देख रही है एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है, उसने थोड़ा सा ही सामान लिया है। और मेरा तो बहुत कुछ रहता है एज इट इज। तो हम लोग खड़े हैं अभी बिलिंग के लाइन में, बिलिंग के लिए। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, सब पैक कर लिया है, लेकिन बाहर बारिश आ रही है आप देख सकते हो। तो हम लोग रुक गए हैं, बहुत जोर के जोर से बारिश आ रही है। तो अनु, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डांस के साथ? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, साथ अच्छा था। मतलब देखो, आपके हस्बैंड आने वाले हैं बराबर, तो वो आने से पहले आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपको कहाँ आना है, क्या लेना है, कैसे लेना है। तो मैंने उनको सारी बातें बता दी, मुझे नहीं पता उनको पता चली है नहीं चली है, लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया है कि उनको सारी बातें बता दूं। तो उन्होंने भी शॉपिंग किया है, अच्छा खासा शॉपिंग किया है उन्होंने आज, तो उनको थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल ना करके वो सीधे आ सकती है यहाँ पे, अगर ज़रूरत पड़ती है कॉल करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम एक साथ वापस शॉपिंग करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं घर जाके आपके साथ, बाय बाय। तो गाइस, हम लोग शॉपिंग करके घर पे आ गए हैं, मैं चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ मैं। तो शाम का टाइम है, तो प्रणील को खानी थी भजिया, तो मैंने यहाँ पे आलू का बैटर बना लिया है, उसको मैं आलू की दूंगी क्योंकि वो उसको प्याज की पसंद नहीं है, और हमारे लिए मैं प्याज की भजिया तलूंगी अभी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बारिश आ रही है बाहर, और प्रणील बैठा है वहाँ पे। तो मैं गरम गरम भजिया करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे बन रही है भजिया और यहाँ पे उबल रही है चाय, तो चाय होने के लिए टाइम लगेगा, तो तब तक प्रणील को मैं भजी फ्राई करके सॉस के साथ दे देती हूँ। ये भजी बन गई है, कैसे लगी है? अच्छी है, क्रिस्पी है, हॉट है, बहुत गर्म है। एंजॉय। इसी के साथ और भजिए के साथ इस व्लॉग का एंड करते हुए आप सभी को बोलती हूँ बाय, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने बच्चों को हमेशा खुश रखिए और अपने साथी को हमेशा खुश रखिए। बाय गाइस, टेक केयर, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज बनी न्यू केयर। बाय बाय गाइस, बाय।